हेलो एवरीवन, और मैं हूँ अदरजा, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गेट सेट साइंस में। भले ही ये मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि मैं अपनी साइंस की नॉलेज आप सबको दे सकूं। तो इसी चीज के लिए आज मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी चैप्टर 6 साइंस के चेंजेस अराउंड अस। आई होप कि आप सबको चैप्टर समझ आए और अच्छा लगे और मजा आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैन ऑल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप सब लोग एक बैलून ले सकते हैं, फिर उसे थोड़ा सा फुलाइए। याद रहे हमें ज्यादा नहीं फुलाना है। तो जैसे ये बैलून है, इससे अगर हम इससे थोड़ी हवा निकल सकती है, ऐसे करेंगे तो इसकी हवा निकल जाएगी। तो मतलब ये चेंज जो है इसका वो रिवर्स्ड हो सकता है। लेकिन अगर हम इसी बैलून को फिर फुलाए, इस बार हमें पूरा फुलाना है। उसे आप पूरा फुला लीजिए और उसके माउथ पे एक गांठ बांध लीजिए, है ना? उसके बाद हमें लेना है एक पेन। तो हम पेन लेंगे, फिर तो ऐसे रख के अगर हम उस पे ऐसे करेंगे तो ये फूट जाएगा। तो ये चेंज जो है ये रिवर्स्ड नहीं हो सकता है। अब बैलून तो फूट गया, तो इसे रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं। देखो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो अब इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक और एग्जांपल, जो आप लोग या आपकी मम्मी लोग रोटी बनाती है, उसके लिए हमें आटा सानना पड़ता है। तो हमें आटा सान के हमें रोटी बनानी नहीं है। अगर आप उसके साइज से या फिर पूरी तरह गोल नहीं हुई है, उससे आप खुश नहीं है, तो फिर आप उसे फिर से आप डो बना सकते हैं, और उसके बाद वो फिर से आपकी मनपसंद साइज में आ जाएगी। मैं भी आपको दिखा नहीं सकती हूँ एक्टिविटी, क्योंकि अभी आटा नहीं है इसलिए। लेकिन अगर हम वही रोटी हमारे मनपसंद साइज में रोल कर अगर हम उसे गैस में चढ़ा देंगे और उसे पका लेंगे, तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकती है, क्योंकि अब वो अच्छे से रोटी बन चुकी है, अब वो डो नहीं रह गई है। तो फिर इसे ये रिवर्स नहीं हो सकती है। तो ये होगा इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन पहले वो डो थी, वो रिवर्स हो सकती थी, इट कैन बी रिवर्स्ड, बट नाउ दिस कैन बी रिवर्स्ड। सो लेट्स टेक एक्टिविटी नंबर 3। So it is take a paper, जैसे मैंने यहाँ एक पेपर ले लिया। अब अगर इसे हम फोल्ड करें, अगर हम कुछ आप कुछ भी बना सकते हैं, बस उसे काटना या फाड़ना नहीं। उसे हमने फोल्ड करा और ऐसे करके कुछ भी बना लिया। देखिए तो हमें अब लिखना है इस पेपर में। तो अब हम इसे वापस अनफोल्ड कर सकते हैं, फिर से देखो सही हो गया। तो ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि हमने इसमें कुछ ऐसे करके बना लिया, कुछ भी जैसे कुछ भी बना लिया हमने, और हमारा मन कर रहा है कि हम इसे अलग कर लें। एक मिनट, मैं कुछ बना लूं अच्छे से। कैंची से काट लेंगे। चलिए अब आप सब भी काटिए। तो हमने काट लिया है, ये देखिए, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, ये हमने काट लिया है। अब अगर हम चाहें कि हमें फिर से एकदम अच्छा पेपर चाहिए जैसे हमारा पहले था, तो अगर हम इसे वापस लगाएंगे तो ये नहीं लग सकता ना, कट जाएगा ये, देखिए।
ये चेंज जो है ये रिवर्स्ड नहीं हो सकता है, इट कैन बी रिवर्स, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन जो पहले था हमने ऐसे फोल्ड करके कुछ भी बना दिया था, ऐसे करा तो फिर हम उसे वापस कर सकते थे ऐसे, लेकिन तो वो रिवर्स्ड था, इट कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन ये नहीं हो सकता है रिवर्स्ड क्योंकि हमने इसे कैंची से काट लिया है, फिर अगर हम इसे फाड़ भी लेंगे तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता है। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो हम टेप लगा के तो रिवर्स कर सकते हैं ना, तो वो गलत है, उसे हम रिवर्स्ड नहीं मान सकते, हमें अच्छे से करना होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं मतलब some changes can be reversed and some cannot, इसका मतलब होगा हिंदी में जो थोड़े changes होते हैं वो reversed हो सकते हैं, लेकिन थोड़े changes reversed नहीं हो सकते हैं। So let's get to the next topic. So here's our second topic. Could there be other ways to bring a change? मतलब हिंदी में इसका मतलब होगा क्या अलग तरीके भी होते हैं एक किसी चीज में चेंज लाने के, कभी कभार होते हैं लेकिन कभी कभार नहीं भी होते हैं। आप सभी लोगों ने वो तो देखा ही होगा जिससे जमीन खोदते हैं, जैसे जैसे भी ले लो बहुत चीजें होती हैं, और जैसे पुराने जमाने में पर ये आजकल की गाड़ियों या साइकिलों की तरह थोड़ी होते थे, वो तो वुडन होते थे ना, लकड़ी के होते थे, तो उसमें अगर हमें आयरन का रॉड घुसाना होता था तो फिर हमें उसे थोड़ा सा बीच से छेद करना होता, कैंची से छेद तो होगा नहीं ना ही चाकू से, तो फिर हम लोग वो चेंज करते थे, मतलब वो छेद करते थे एक कैंडल लेकर। आप सोच रहे होगे कैंडल लेकर कैसे करेंगे, कैंडल तो मोम होती है। हाँ, कैंडल मोम होती है उसी वजह से, उसमें आग जलती है। अगर हम कैंडल को ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर आयरन रखेंगे, जैसे हमें एक मान लीजिए हमें एक पहिए में एक आयरन की रॉड उसके चारों ओर लगानी है, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि उसके ऊपर कैंडल ऐसे पकड़ेंगे उस आयरन टूल को, और फिर एक उसके नीचे हम एक कैंडल रखेंगे और उसे लाइट कर देंगे, उसे जला देंगे, तो फिर जो उसकी गर्माहट होगी, उसकी गर्मी होगी, तो वो जिस पॉइंट पे ज्यादा पड़ रही होगी आयरन के, वहां उसके एक छेद हो जाएगा ऐसे करके छेद, है ना। तो फिर तो अब हम कैंडल को पकड़ेंगे, लेकिन ध्यान से पकड़ना, क्योंकि कैंडल मेल्ट होती है तो हाथ में लग जाएगी, अच्छे से पकड़ना। और आप लोगों घर में ट्राई नहीं करना है, उससे हम ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे करके ले भी जा सकते हैं, या फिर हम जो आयरन का पीस पकड़े उसे भी ऐसे करके लाएंगे, हमें जहां जहां छेद करने होंगे वहां। तो फिर जैसे हमें बहुत बड़ा छेद करना है क्योंकि पहिया तो बहुत बड़ा होता है, तो हमने इतना बड़ा छेद कर लिया तो वो एक राउंड सी रिंग हो गई रिंग। अब हम पहिए को उसके अंदर ऐसे रखेंगे, या फिर आयरन की रिंग को उसके अंदर उसके बाहर रखेंगे, तो फिर वो उसमें एक चेंज आ गया कि पहले ऐसा था और फिर ऐसा हो गया, पहले वुडन थी खाली, अब वुडन के साथ आयरन भी आ गई, तो ये चेंज हो जाएगा। ऐसे ही होते हैं अदर वेज टू चेंज। या फिर हम खाली कैंडल लेते हैं, ये आप घर में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अंडर पेरेंट सुपरविजन। हम एक कैंडल लेंगे
और फिर उसे लाइट करेंगे, ऐसे लाइट कर देंगे उसे, तो फिर वो ऐसा होगा कि अगर आप देखेंगे जब वो नहीं जल रही थी या फिर स्टार्टिंग में जल रही हो तब फिर वो एकदम सही होगी, लेकिन जब हम वो थोड़ी जल जाएगी 5 या 10 मिनट या 2 मिनट भी काफी होगा तो फिर उसके जो उसकी डिजाइन होगी वो थोड़ी चेंज आएगी, थोड़ी मेल्ट होने लगेगी। मैंने भी वो ट्राई करा था, अभी यहाँ पे निशान आ गया, इसलिए आप पेरेंट सुपरविजन में ही ट्राई करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है इसमें हम लोग चेंज ला सकते हैं अदर वेज के थ्रू। सो इसका आंसर हम लिखते हैं टू ब्रिंग ए चेंज, मतलब हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं उसमें चेंज ला सकते हैं। कैंडल और आयरन का भी आपको बताइए, वैसे कुछ चीजें और भी होती हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग समरी पढ़ेंगे। और आप लोगों को भी याद ही होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है। तो हमने पहले पढ़ा था क्या सब चीजों में चेंज हो सकता है कि नहीं, कैन ऑल बी चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, सब चीजों में चेंज रिवर्स्ड हो सकता है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी किसी चीज में हो सकता है, जैसे हमने डो बना लिया और उसमें अगर हमें चेंज करना है, हम उसके साइज से सही नहीं है तो फिर हम, और या फिर वो पूरा राउंड नहीं हुआ है तो फिर हम उसे फिर से बनाएंगे क्योंकि वो वापस डो बन सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसे पका लिया तो फिर वो नहीं हो सकता क्योंकि वो पक चुका है, वो एक रोटी बन चुकी है, चपाती बन चुकी है, तो वो नहीं होगा। और फिर हमने पढ़ा था जैसे एक बैलून लिया हमने और हमने उसे फुलाया, हमने सही से नहीं फुलाया तो वो सही से नहीं फूला, तो हम उससे थोड़ी थोड़ा सा अपने हाथ को ढीला करेंगे तो उसके माउथ से पूरी हवा निकल जाएगी, लेकिन अगर हमने उसे पूरा अच्छे से फुला लिया और उसके माउथ को टाई कर लिया, गांठ बांध दी उसमें, तो फिर अगर हम उसे छेद करना चाहेंगे ऐसे या फिर अगर हम ज्यादा फुला लेंगे तो फिर वो फट जाएगा, इट विल बी बर्स्ट। या फिर हम एक पेन लेकर उसमें ऐसे रखेंगे या फिर डालेंगे तो फिर देन आल्सो इट विल बी बर्स्ट। तो ये थे हमारी सेकंड एक्टिविटी। सो हमारी थर्ड एक्टिविटी ये थी कि अगर हमने कोई पेपर लिया उसमें हमने कुछ, हमने पेपर में नहीं बनाया, हमने पेपर को ही बनाया, पेपर में नहीं बनाया, हमने पेपर को फोल्ड करा, हमने एरोप्लेन बना लिया या फिर बोट बना ली या फिर कुछ भी बना लिया, तो वो रिवर्स हो सकता है क्योंकि वो बना है पेपर में नहीं पेपर से, तो हम उसे अनफोल्ड कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर हमने उसमें ड्रॉ कर दिया पेन से तो फिर वो नहीं हो सकता और हम उसे काट लेंगे, फिर हमें ड्रॉ करके काटना है तो हम उसे काट लेंगे तो फिर वो रिवर्स्ड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और आपको एक बात, एक प्लस पॉइंट और बताऊं कि अगर हमने, हमें ड्राइंग करनी होगी उसमें पेपर में और हमने उसे पेंसिल से करा तो फिर हम उसे मिटा सकते हैं इरेजर से, लेकिन लेकिन अगर हमने उसे पेंसिल से करने की बजाय पेन से या फिर पेंसिल कलर से करा तो फिर वो रिवर्स्ड नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसे पेंसिल से
नहीं किया है। जो इरेजर से मिट सकता था पेंसिल, हमने उससे नहीं किया, हमने पेंसिल कर दिया, या फिर पेंसिल कलर से कर दिया, स्केच पेन से कर दिया, तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये और बात होती है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा था, कैन देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या अलग अलग तरीके के भी चेंज कर सकते हैं हम लोग खुद? और हाँ, हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। हम जैसे हमने आयरन लिया और उसमें कैंडल रखी, नीचे रखी उसके कैंडल, तो फिर हम आग जला के उसमें छेद कर सकते हैं, तो वो राउंड अच्छे से हो जाएगा। हम अच्छे से उसे कर सकते हैं ऐसे करके अच्छे से, फिर हम उसे वुडन में रख सकते हैं। और या फिर हम कैंडल को ऐसे ही लाइट कर दें, उसके ऊपर कुछ रखे नहीं, हाथ से या पकड़े नहीं, हमने हाथ तो बिल्कुल नहीं रखना होगा, तो फिर अगर हम ऐसे उसे देखेंगे तो फिर वो मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि वो तब वो जली नहीं हुई, इट कैन नॉट बी लाइटेड। लेकिन अगर हम जला लेंगे, अगर हम उसे लाइट कर लेंगे लाइट, तो फिर वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो मेल्ट हो रही है, फिर मेल्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो हियर आवर वीडियो एंड्स। My video and please like and subscribe and share my channel please। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, चैप्टर्स में, टॉपिक्स में नहीं, चैप्टर्स में साइंस के एनसीईआरटी मैं और वीडियोस लाऊंगी और आप सबको और अच्छा लगेगा और मजा आएगा और आप लोग के पास थोड़ी सी नॉलेज पहुंच जाएगी, जो मेरा टारगेट है करना, आप लोग के पास थोड़ी सी साइंस की नॉलेज पहुंचाना। आपके पास होगी, जरूर होगी, ऐसा मैं नहीं कहेगी आपके पास होगी नहीं नॉलेज, आपके पास जरूर बहुत नॉलेज होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और आप नॉलेज लें। सो यही मेरी वीडियो खत्म होती है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर मेरे पास सब्सक्राइब्स होते जाएंगे और ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, तो फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगी, फिर मैं चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 ऐसे गोन करती रहूंगी और बनाती रहूंगी वीडियोस। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।